क्या कीजिएगा इस धनराशि का, क्या कीजिएगा इस धनराशि का। देखो हमको ये सब तो ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ चॉकलेट ले लेंगे, डेयरी मिल्क ले लेंगे, और कुछ होगा तो लॉलीपॉप भी ले लेंगे, और क्या करेंगे हम। ज्यादा से ज्यादा होगा तो और खिलौना भी ले लेंगे, बस बाकी लाइफ एकदम मजा में कटेगा हमारा, इससे नहीं चलता। वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 प्लेयर्स के बारे में जो इस IPL ऑक्शन में सबसे महंगे बिके हैं, यहाँ तक कि आज तक के रिकॉर्ड भी टूट गया कि IPL इतिहास में इतना महंगा प्लेयर आज तक कोई नहीं बिका था जितना IPL 2023 के ऑक्शन में बिके हैं, वो भी मिनी ऑक्शन में। और पांचवा प्लेयर के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतने पैसे में बिकेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। फर्स्ट पे है सैम करन। पंजाब ने इन्हें 18.50 करोड़ में खरीदा है। जब इनका नाम ऑक्शन में आया तब CSK और पंजाब में बहुत देर तक टक्कर चली, और मैंने इतनी जल्दी 10 करोड़ की बोली पार करते हुए किसी और प्लेयर को नहीं देखा था। लेकिन 15 करोड़ आते ही CSK पीछे हट गया, क्योंकि उनके पास सिर्फ 19.95 करोड़ ही थे। लेकिन पंजाब और दूसरे टीम के टक्कर हुई और पंजाब ने बाजी मारी। सैम करन इतिहास के आज तक के सबसे महंगे प्लेयर बन चुके हैं IPL इतिहास के। आज तक हाईएस्ट बिड 16.25 करोड़ तक गया था, जो कि क्रिस मॉरिस के लिए गया था, लेकिन अब सैम करन सबसे ऊपर आ चुके हैं। CSK भी पछता रहे होगी इन्हें उससे पिछले साल रिलीज करते, मैंने क्यों रिलीज किया था। अब वो पंजाब से खेलेंगे। दूसरे पे आ जाते हैं सी ग्रीन। ये भी ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर प्लेयर हैं। इनको MI ने 17.50 करोड़ रुपए में खरीदा। MI को पोलार्ड के रिप्लेसमेंट में कोई बेस्ट ऑलराउंडर चाहिए था, उनके जगह पे सी ग्रीन को लिया गया है। अब देखना यह होगा कि सी ग्रीन पोलार्ड के रिप्लेसमेंट को सही साबित करते हैं या नहीं। ये भी इतिहास के दूसरे सबसे महंगे प्लेयर बने, आज तक इतना भी कोई किसी को नहीं गया था प्राइस IPL में। तो अब देखते हैं कि पोलार्ड के रिप्लेसमेंट में सी ग्रीन उनके काम करते हैं या नहीं। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तो तीसरा पे है बेन स्टोक। बेन स्टोक को CSK ले गया मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि इनका बिड में CSK 11-12 करोड़ तक इनको एक भी बिड नहीं किया था, तब तक दूसरे टीम ही आपस में बिडिंग कर रही थी। लेकिन 11-12 करोड़ पार करते ही CSK इन पे बिडिंग करना स्टार्ट किया और 16.25 करोड़ में इन्हें अपने टीम में हासिल कर लिया। CSK को भी DJ ब्रेबो के जगह एक ऑलराउंडर चाहिए था, और बेन स्टोक दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में आते हैं। लेकिन DJ ब्रेबो डेथ में तो अच्छा बॉलिंग कर लेते थे, देखना यह होगा कि बेन स्टोक क्या कर पाते हैं। लेकिन बेन स्टोक बैटिंग भी अच्छा कर लेते हैं, तो CSK वाले अब जरूर कह रहे होंगे CSK से है बेन स्टोक। अब फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं। फोर्थ पे है निकोलस पुरन। निकोलस पुरन को लखनऊ ने 16 करोड़ में खरीदा है। पुरन का प्रदर्शन देखे तो पिछला IPL या फिर उससे पिछला IPL में कुछ खास नहीं रहा। अब लखनऊ ने उन्हें लिया है तो कुछ सोच के ही लिया है। निकोलस पुरन हालांकि विकेट कीपिंग और बैटिंग भी अच्छा कर लेते हैं, IPL में भले उनका प्रदर्शन खराब रहा हो पिछला साल, लेकिन मैंने उन्हें देखा है T10 या फिर ऑल में बहुत ही अच्छा खेलते हैं और बहुत ही अच्छा बैट्समैन भी है, तो लखनऊ ने उन्हें कुछ सोच के ही लिया होगा। अब आ जाते हैं पांचवे नंबर पे हैरी ब्रूक। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हैरी ब्रूक 13.25 करोड़ में बिकेंगे और इन्हें SRH ने खरीदा। वैसे हैरी ब्रूक का अभी तक का T20 प्रदर्शन अच्छा तो रहा है, फिर भी इतना पैसा तो भाई मेरे समझ के बाहर है। SRH ने लिया होगा तो वो भी कुछ सोच ही के लिए होंगे हैरी ब्रूक को 13.25 करोड़ में। अब देखने लायक होगा कि हैरी ब्रूक SRH के लिए कितना खास प्रदर्शन करके दिखाते हैं। बाकी कमेंट में बताना कि आप किस प्लेयर को किस टीम में देखना चाहते थे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द।